वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिनके अदम्य साहस, वीरता और शौर्य की गाथाएं पूरे झांसी और देश दुनिया के बच्चों को सुनाई जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि कैसे वो लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लें। वो लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी के लिए, मराठा वंश के लिए, अपने परिवार के मान सम्मान के लिए, झांसी के मान सम्मान के लिए और अपने बेटे को अधिकार दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई पर साल 2008 में एक किताब आती है, इसे लिखती हैं यूके में बैठी जयश्री मिश्रा। किताब का नाम होता है रानी। इस किताब में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक जगह जहां रानी का अपने अंग्रेज़ पॉलिटिकल एडवाइज़र के साथ एक ऐसे प्रसंग का जिक्र कर दिया जाता है जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, कोई उसे कबूल नहीं करेगा, जिसमें ये लिख दिया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का अपने पॉलिटिकल एजेंट के साथ ऐसे प्रसंग थे जो आम दुनिया जिसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसके बाद मचा था बवाल। बवाल इतना मचा कि उस समय विधानसभा के सदस्य रहे झांसी से प्रदीप जनादित्य और तमाम नेताओं ने मांग उठा दी थी कि इस किताब को बैन कर दिया जाए। 2008 में मायावती सरकार ने इसे बैन कर दिया था। नाम की जो किताब है सम जयश्री मिश्रा, जो लंदन में रहती हैं, तो उन्होंने लिखी थी और जो भी उनके रेफरेंस रहे हों, तो मुझे जहाँ तक पत्रकार के नाते मुझे जो याद आता है, तो 2008 में झांसी के राजनीतिक और जन संगठनों ने इस किताब को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने तब उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसको लेकर सवाल उठाया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2008 में जिस तरह से यूपी सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया था, तो उस प्रतिबंध के हटने की जानकारी तो हमें कम से कम नहीं है। तो जब वो प्रतिबंध हटा नहीं है, और ठीक है कि दुकान पर वो उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है ये भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऑनलाइन तो बिक रहा है, जो प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है उस पर वो किताब उपलब्ध है जिस पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगाया था। तो अब लेकिन ये सरकार का और नीतिगत मसला है कि वो किस तरह का बैन था वो और किस तरह से बिक रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन उस किताब को लेकर झांसी के लोगों की आपत्ति थी, क्योंकि रानी के बारे में कई ऐसे प्रसंग लिखे गए थे जो यहाँ के स्थानीय इतिहासकार या हम लोग बहुत लंबे समय से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, हमने कभी उस बारे में न सुना न पढ़ा। वो पर्टिकुलर एक लेखिका ने, उनके जो संदर्भ रहे वो पता नहीं वो कितने विश्वसनीय थे अथवा नहीं थे, इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन वो टिप्पणियाँ तो आपत्तिजनक थी। आज 14 साल बाद वो किताब लोगों के बीच आज भी उपलब्ध है, वो किताब जिसके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे मायावती सरकार ने बैन लगा दिया था वो आज भी बिक रही है। अमेजोन पे आप चाहें तो जाके उसे ऑर्डर कर सकते हैं, और ये तब जबकि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती आने वाली है, हर साल हम त्यौहार की तरह मनाते हैं, और ऐसे में इसे बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी ये बिकती है। इस मामले में हमने प्रदीप जनादित्य से बात की। स्वतंत्रता संग्राम की वह दीप सखा जिन्होंने पूरी दुनिया की महिला शक्ति को गौरवान्वित किया, जिनके नाम लेने से इस देश के एक एक नागरिक के रक्त का संचार बढ़ जाता है, महिला शक्ति गौरवान्वित हो जाती है, उनको देवी के समान पूरा देश मानता है, उनके बारे में उल जलूल लिखी हुई एक पुस्तक, एक महिला ने लिखी पुस्तक, ये भी शर्म की बात है। उस पर हमने विधानसभा से उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दुर्भाग्य का विषय है, बुलडोजर कहने वाली ये सरकार, उनके राज्य में ये पुस्तक धड़ल्ले से बिक रही। आज ऐसी लेखिका को जिसने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अभद्र बातें लिखी हैं, उनको जेल के शिक्षे के अंदर होना चाहिए, और जहां पर भी ये पुस्तकें हैं उनके यहां भी जब्ती की कार्रवाई होना चाहिए। और इस मामले में सरकार का पक्ष क्या है, भाजपा का सरकार और योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, जो कि एक जाने माने इतिहासकार भी हैं, हमने उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। महारानी झांसी के चरित्र के ऊपर या उनके किसी प्रकार का कीचड़ उछालने का जो भी लेखक या कोई व्यक्ति करे वो तो एक बहुत फूहड़ काम है। उस समय प्रतिक्रिया दी थी उसमें कि उसको बैन किया जाए, और बैन जब हुई तो अभी आप कहा कि वो अमेजन पे या कहीं गूगल पे जिस पे भी हो, तो हम आप करके कि उस
प्रकरण को फिर से लिख करके और फिर से शासनादेश जारी कराया जाए कि जो लोग ऐसा काम करने में अभ्यस्त हो रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ FIR लिखाई जाए और उनको उसके जो एक दोषपूर्ण कृत्य है उसके लिए उन्हें। हरगोविंद जी, आप राज्य मंत्री भी हैं, बुंदेलखंड का नेतृत्व करते हैं, झांसी के रहने वाले हैं, गौरवशाली इतिहास को आप समझते हैं, तो योगी सरकार में किताब बिक रही है, क्या ये पहल आपकी तरफ से होगी कि चिट्ठी आप भेजेंगे शासन? हाँ बिल्कुल, हम अच्छा लेते हुए फिर हम अपने पैड पर एक लेटर लिख करके उच्च शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इनको लिखें कि जो लोग ऐसे काम करने में अभ्यस्त हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में की जाए। तो आपने सुना हरगोविंद कुशवाहा को, जिन्होंने कहा कि वो दरख्वास्त करेंगे कि इस किताब पर एक बार फिर से रोक लगाई जाए और जितने भी लोग इसे बेच रहे हैं या इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं उन सब पर दंडात्मक कार्रवाई हो। लेकिन फिलहाल के लिए सच्चाई यही है कि जिस रानी से पूरी झांसी जानी जाती है, जिनके गौरव पर हम सब अभिमान करते हैं, उस रानी के बारे में एक ऐसा प्रसंग इस किताब में लिखा गया, वो किताब आज भी अमेज़न पर और तमाम जगहों पर उपलब्ध है। न्यू 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।